दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, लोकसभा चुनावों के बाद बसपा के समर्थकों में भारी बेचैनी है। वो इस बात को लेकर परेशान है कि कई चुनावों में लगातार हारने के बाद बसपा का चुनाव लगातार नीचे नीचे और नीचे ये चलता जा रहा है, होता जा रहा है। चाहे वो सार्वजनिक रूप से बसपा के समर्थक ना कहें, कार्यकर्ता ऑन रिकॉर्ड ना कहें, ऑन कैमरा ना कहें, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो इस चीज को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं बसपा की नीतियां ऐसी हैं जो बसपा को लगातार नीचे की ओर ले जा। इनमें कुछ तो कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बहुत मुखर हैं, जो सरेआम कहते हैं कि हाँ, वो बोलते भी हैं कैमरे के सामने भी, बसपा व्हाट्सएप पर भी, आपसी डिस्कशन में भी कि हाँ, बसपा चूक कर रही है, मायावती जी चूक कर रही हैं, समय के साथ नहीं चल रही हैं, इसलिए बसपा का ग्राफ नीचे गिर रहा। लेकिन सवाल ये है कि चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, जब तक वो अपनी भूल को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो अपने कमियों को दूर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये समझ से बाहर है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़े, दोनों को 15 लोकसभा की सीटें मिली और बसपा को 10 और सपा को मात्र 5 सीटें मिली। जब बसपा को डबल सीट मिली थी तो ये चुनावी गठबंधन तोड़ने की जरूरत क्या थी? दोस्तों, चुनावी गठबंधन तोड़ा, 2022 के विधानसभा चुनावों में भी बसपा की दुर्गति हुई, तब भी चुनावी गठबंधन नहीं किया, और अब जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए उसमें इंडिया गठबंधन के काफी प्रयासों के बावजूद मायावती नहीं पिघली, जबकि कई नेताओं ने उनको ये कहा था कि इंडिया गठबंधन उनको पीएम फेस बनाने के लिए तैयार है। उनको उनकी नीति रही एकला चलो रे, और जो राजनीति माहौल देश में है उसमें एकला चलो से बात बनने वाली नहीं है। यदि बसपा चुनावी गठबंधन करके चुनावों में नहीं उतरेगी तो जो पिछले कई चुनावों में जो बिना गठबंधन के लड़े हैं, जो दुर्गति हुई है, इस बार जो 13% से लगभग 9% पे, 8-9% पे वोट प्रतिशत आ गया है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से तो बात की हम बात क्या करें, जब उत्तर प्रदेश गढ़ में ये स्थिति है तो बाकी प्रदेशों में क्या होगी। जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में अकेले लड़ने से मात्र 1 सीट मिली थी विधानसभा चुनावों में, और सपा बेशक सत्ता में नहीं लौटी लेकिन उसने झंडे गाड़ दिए थे, जितनी सीटें आई थी आपको मालूम है, सैकड़ों सीटें उनको मिली और प्रमुख विपक्षी दल बने। लेकिन दोस्तों, उससे भी बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने सबक नहीं सीखा। उन्होंने पीएम फेस बनने के ऑफर को भी स्वीकार नहीं किया और अकेले चुनाव लड़े। उसका नतीजा क्या रहा कि सपा ने 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ मिलकर झंडे गाड़ दिए, कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करके बुलंदियों पर पहुंचे, और मेरे ख्याल में जितना मुझे याद है उन्होंने यानी सपा ने या अखिलेश ने विशेष रूप से कहें तो उनके कार्यकाल में ये सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा। उन्होंने लोकसभा चुनावों में वर्तमान लोकसभा चुनावों में 37 सीटें जीती, बसपा 0/0, 0 सीट, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है और जिस प्रदेश में उसका गढ़ है
वहां भी उसकी जीरो सीट आए और फिर भी वो ये मानने को तैयार ना हो कि हमारी गलती है, हमारे फैसले गलत हैं, हम जिस तरीके से अपने विधायकों या सांसदों के साथ व्यवहार करते हैं और उनको मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं, या किसी भी बड़े पदाधिकारी को ये नहीं पता होता कि वो दिन में तो बसपा में है, दिन में तो बसपा का प्रभारी है, सुबह होगी तो रहेगा या नहीं रहेगा, ये हालत बसपा में है और लोग इसको तानाशाही कहते हैं। सही तरीके का संगठन, लोकतांत्रिक तरीके का संगठन बसपा में नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी चूकों के बाद, इतनी हारों के बाद, इतने गलत फैसलों के बाद भी बहन मायावती अपनी उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में अपनी हार का ठीकरा अपनी गलत नीतियों, गलत फैसलों को ना देकर कह रही है कि मुस्लिमों ने हमारा साथ नहीं दिया। अरे भाई, कोई भी तुम्हारा साथ कब तक देगा जब तक आप सही फैसले नहीं लेंगे। चुनाव हारने के लिए कोई भी टिकट नहीं चाहता। राजनीति में जो भी आता है, चुनाव जीतने के लिए आता है, सत्ता में आने के लिए आता है, और कोई भी नेता आपकी पार्टी से उन हालातों में चुनाव क्यों लड़ना चाहेगा जहां उसे जीत की उम्मीद ना हो, या बसपा के साथ कोई भी कौम, बहुजन समाज की कोई भी जाति कब तक जुड़ी रहेगी? जब तक लगातार हार हो रही हैं और जो उम्मीदवार हैं उनको लग रहा है कि पार्टी के फैसले सही नहीं हैं, पूर्व के सांसदों ने कहा भी है, वो छोड़कर भी इसलिए गए, ज्यादातर जो 10 सांसद थे वो इसलिए छोड़कर गए कि मायावती जी ने किसी भी पार्टी के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी समझौता नहीं किया, और उन्हें मालूम था कि यदि हम चुनावी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारी पराजय तय है। तो यदि हम इस संदर्भ में सोचें तो ये बात बिल्कुल सही लगती है कि कार्यकर्ताओं की, और जो पूर्व सांसद थे या बहुत से वो नेता बसपा के जो बसपा को छोड़ गए या मायावती जी का साथ छोड़ गए, जो बड़े बड़े नेता थे वो इसीलिए छोड़ गए कि मायावती जी के फैसले ठीक नहीं है। अब सवाल ये है कि आज भी बसपा के बहुत सारे कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ये मानने को लिए तैयार नहीं है कि बसपा की नीतियां गलत है। यानी जिस तरीके से कट्टरता भाजपा में, भाजपा के भक्त हैं, मोदी भक्त हैं, आरएसएस के भक्त हैं, उसी तरीके की कट्टरता बसपा के काफी सदस्यों में है, कार्यकर्ताओं में है, और इतना कुछ होने के बावजूद, पार्टी के रसातल में जाने के बावजूद ना मायावती सुधरने के लिए तैयार है, ना ये कार्यकर्ता गलत नीतियों को मानने के लिए तैयार है। लेकिन वक्त, जो वक्त के साथ नहीं चलता, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो नेता हो, उसका असफल होना तय होता है। और जो कार्यकर्ता अब भी किसी गुमान में है और भक्ति वाली बातें कर रहे हैं, तो मैं इन साथियों को, इन दो बसपा के दोस्तों को, इन कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूं कि यदि यही स्थिति रही, इसी तरीके से फैसले बसपा में लिए जाते रहे, तो दोस्तों आने वाला समय बसपा के लिए और भी कठिन हो सकता है। इससे भी बुरे नतीजे, फिर इससे भी बुरे नतीजे क्या आएंगे जब
80 सीटों में से एक भी नहीं मिली, यानी इससे भी ज्यादा बसपा का प्रतिशत गिर सकता है। तो बेहतर होगा कि ये कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, सम्माननीय सुश्री मायावती जी अपनी गलतियों को स्वीकारें, समय के साथ चलें और इस बात को देखें कि उनका 20 से लेकर 30% तक जो वोट बैंक था वो 8-9% तक आकर कैसे टिक गया, क्यों आ गया। अब कोई करिश्मा होगा, कोई जादू होगा कि ये 8% का वोट जो है फिर उसी तरीके से बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, जो वर्तमान में भारत की राजनीति के हालात हैं, कोई ऐसा स्थिति नहीं लगती कि बसपा बिना चुनावी गठबंधन किए चुनाव जीत सकती है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। जब तक सुश्री मायावती जी अपनी नीतियां नहीं बदलेंगी, अपना अखड़पन दूर नहीं करेंगी, सबको साथ लेकर नहीं चलेंगी, देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है उसको सोचकर आगे नहीं बढ़ेंगी, तो आने वाले समय में उनके हाथ निराशा ही लगती है। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, जिस तरीके से उन्होंने अपने भतीजे को बीच चुनाव में प्रचार से हटा दिया था, यदि वो आकाश आनंद को बीच चुनाव से ना हटाया जाता और यदि कुछ उम्मीदवार, उनके जो भी कारण रहे हो आप भी समझते, मैं भी समझ रहा हूं, ना बदले जाते तो शायद बसपा की स्थिति कुछ अच्छी हो सकती, उनका वोट प्रतिशत अच्छा हो सकता, हो सकता है कि कोई उम्मीदवार जीत भी जाता। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात के लिए जरूर बधाई दूंगा मायावती जी को कि उन्होंने आकाश आनंद को दोबारा से वापिस लाकर उसे वही कुर्सी सौंपकर एक बड़ा काम किया है, और उनका ऐसे करने से कुछ संभावनाएं नए सिरे से बनती दिख रही हैं कि बसपा में नई जान पड़ सकती है, और जो कुछ यूथ छोड़कर चला गया था या नीतियों से या आकाश आनंद को घर बिठाने से नाराज हो गया था वो दोबारा बसपा के साथ जुड़ सकता है। लेकिन इसके साथ अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यदि बसपा नेतृत्व नहीं सुधरा तो दोस्तों, माननीय काशीराम जी, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा फूले या जो भी हमारे बहुजन समाज के नेता रहे हैं, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज को सम्मान और आदर दिलाने के लिए, उनके हक दिलाने के लिए जो बसपा का कैडर है, बड़ी तादाद में तो आप समझ रहे हैं कि चंद्रशेखर यानी भीम आर्मी के तरफ मुड़ गया है, उस तरफ चला गया है, और यदि अब भी सुधार नहीं हुआ तो ऐसा लगता है, बहुत सारे राजनीतिक पंडितों का यह दावा है कि बसपा का सारा कैडर या बड़ी तादाद में कैडर जो है भीम आर्मी के पास साथ चला जाएगा, और भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर अपनी सीट पर जीतकर लोकसभा में भी पहुंच रहे हैं, और वहां पर भी वो आवाज, बहुजन समाज की आवाज बहुत बुलंदी से उठा रहे हैं। और वो सबसे बड़ी बात क्या है कि भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर ने घोषणा की है, ना वो केवल बहुजनों की आवाज को संसद में उठाएंगे, बल्कि जिस तरीके से वो
पहले से सड़कों पर बहुजन समाज के हकों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, महिलाओं के हकों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, या कोई भी कमजोर वर्ग जिसके साथ अत्याचार होता है, देश के किसी भी कोने में भीम आर्मी के कार्यकर्ता या चंद्रशेखर जिस तरीके, जिस तेजी से, जिस फुर्ती से उनको इंसाफ दिलाने के लिए भारी तादाद में नीले झंडे लेकर, गले में नीले पटके डालकर पहुंच जाते हैं, उस तरीके से बसपा में ऐसे कार्यकर्ता शायद नहीं बचे हैं। वो बहुजन समाज की समस्याओं को लेकर ऐसा लगता है कि ठंडे पड़ गए हैं, और उस तरीके से वो आंदोलनरत नहीं रहते जिस तरीके से कुछ 10 साल या 20 साल पहले बसपा के कार्यकर्ता हमेशा सड़कों पर दिखाई दिया करते थे। और जैसा कि अब सब जानते हैं कि मायावती जी ने तो सड़कों पर निकलना बिल्कुल बंद ही कर दिया है, कहीं भी वही बहुजनों के साथ कोई भी अत्याचार हो, जाति हो, सिर्फ वो बयान जारी कर देती हैं, कभी बाहर, कभी घर से बाहर निकलकर उनके बीच में जाकर बहुजनों के दुखों को वो कभी बांटती हुई नहीं दिखाई दे। दोस्तों, बसपा मायावती जी की पार्टी है, अच्छा बुरा वो अच्छी तरीके से जानती हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है, लेकिन जो समाज में बहुजन समाज पार्टी के प्रति रोष दिख रहा है और लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, यदि मायावती जी ने अपने तौर तरीके और फैसले नहीं बदले और वो समय के साथ नहीं चली, तो दोस्तों ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मायावती और बहुजन समाज पार्टी को इससे भी ज्यादा बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं, ईश्वर ऐसा ना करे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि मायावती आगे क्या करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार, देखते रहिए देश रोजाना, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।